हालेलुया, प्लीज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, परमेश्वर आपके शब्दों को इस्तेमाल करता है। जैसे 1 शमूएल 17:46 में लिखा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की शब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इसराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया, तब गोलियत दाऊद को अपने देवताओं को नाम से श्राप देने लगा, पर दाऊद आत्मिक व्यक्ति था। दाऊद ने भी अपने शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि आज ही मेरा यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तुझे मार दूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद ने बोला था, सचमुच वैसा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के शब्दों को इस्तेमाल किया। दाऊद ने सिर्फ एक ही पत्थर गोलफन में फंसा कर गोलियत को मारा और वो पत्थर गोलियत के माथे पर जाकर लगा और वो उसी समय मर गया। फिर दाऊद ने गोलियत की तलवार को लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक लाना की दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम परीना था। परीना के घर बच्चे थे, पर हन्ना बाज थी। हन्ना ने जब परमेश्वर के भवन में कहा कि परमेश्वर, अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसको तेरी सेवा के लिए तेरे घर में दे दूंगी, फिर परमेश्वर ने उसे पुत्र के साथ आशीषित किया। यह पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके शब्दों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमेशा आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके विश्वास और आपके शब्दों के हिसाब से काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों और कारोबार के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए वो निराश और संघर्ष के साथ परेशानियों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। आप हमेशा यह याद रखें कि परमेश्वर हमेशा आपके शब्दों को इस्तेमाल करता है। यह मायने नहीं रखता कि आप गरीब बीमार हैं या फिर आपके हालात खराब हैं, पर जब आप बोलेंगे कि बाइबल में लिखा है कि आप आशीषित अमीर चंगे हो चुके हो, तो फिर परमेश्वर भी आपके शब्दों को इस्तेमाल करेगा और फिर आप अपने जीवन में फल लेकर आएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज से ही अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर आपके शब्दों को सुनकर आपको आशीषित और चंगा करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे यह अनुग्रह दीजिए कि मेरे जीवन के हर हालातों में मेरे शब्द वही रहे जो आपका वचन कहता है। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं अपने जीवन में सही और आशीषित शब्दों को बोलूं, ताकि आप मेरे शब्दों को इस्तेमाल करके मुझे आशीषित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। प्लीज द लॉर्ड।